हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैप्ट्रॉन्स चैनल। मैं हूं प्रकाश अग्रवाल, फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, ये शायद ही कोई आपसे शेयर करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया के हर हॉस्पिटल, सोनोग्राफी सेंटर्स, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी यानी हेल्थ केयर या डायग्नोस्टिक के जितने भी सेंटर पूरे देश में हैं, वहां इस प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलता। दोस्तों, आपने अल्ट्रासाउंड या ईसीजी का नाम जरूर सुना होगा। इसमें लगने वाले ट्रांसमिशन जेल का पूरे इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। आप दिन रात भी लगे रहें तो भी ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस को आप हैं, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती और घर से ही इसे शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग सिर्फ 20 से 25 रुपए पर किलो ही आती है और डॉक्टर्स को कम से कम 70 से 90 रुपए तक ये बिकता है, जिसमें कम से कम 200% का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण जेल नहीं होता है। कॉस्मेटिक में यूज होने वाले जेल पॉलीमर्स बेस होते हैं, पर ये मेडिसिनल जेल एक्सपोजर की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एक्सपोज करके ही बनाया जाता है। और लास्ट में जो इंग्रेडिएंट इस जेल में सुपर कंडक्टिविटी के लिए डाला जाता है, उसी से ही अल्ट्रासोनिक रेस का ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। दोस्तों, इस अनोखे बिजनेस आइडिया को समझने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक से एक अमेजिंग बिजनेस आइडियाज आप तक अपने आप पहुंच सकें और इन बिजनेस आइडियाज से आप घर से ही बिजनेस शुरू कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सोनोग्राफी जेली काम कैसे करता है। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई सारे फोटोज जरूर लिए होंगे, पर आपका सबसे पहला फोटो तब लिया गया था जब आप अपनी माँ के गर्भ में ही थे। डॉक्टर्स अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं, जिससे निकलने वाली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आपकी बॉडी या ऑर्गेन्स से रिफ्लेक्ट करके आपकी फोटोज माँ के गर्भ से ही ले लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साउंड फ्रिक्वेंसी ही आपका फोटोज लेती है, जिसको हम सुन नहीं सकते। और ये फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसे एक मीडिएटर यानी ट्रांसमिशन जेल की जरूरत होती है, जिसको नहीं लगाएंगे तो मां के गर्भ में मौजूद बच्चे की फोटोज ही नहीं ले पाएंगे। यानी दोस्तों, ये अल्ट्रासाउंड जेल ही है जिसकी वजह से डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कर पाते हैं। दोस्तों, हर हॉस्पिटल में रोजाना जितनी सोनोग्राफी होती है उतनी बार ये जेल यूज किया जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है और कितनी ज्यादा डिमांड है। इसको बनाने की कॉस्टिंग मात्र 20 रुपए से 25 रुपए पर किलो आती है और कम से कम 70 से 90 रुपए पर किलो तक में डॉक्टर्स को सेल होता है। यानी कम से कम 200% का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अल्ट्रासाउंड या ईसीजी जेली को बनाने की प्रोसेस, जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी मेन इंग्रेडिएंट पॉलीसैकेराइड्स पाउडर, जो कि हम 170 ग्राम लेंगे। दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन है, जो कि एक्सपोजर का काम करता है। यह हमें 25 किलो जेल में सिर्फ 2 ग्राम डालना होता है। तीसरा है ग्लाइकोजिन पाउडर, जो कि 12 ग्राम हमने इस कटोरी में लिया हुआ है। चौथा 3 ग्राम माइक्रो मोनोमर्स पाउडर। और पांचवा, हम इस बीकर में एंटी स्टैटिक लुब्रिकेंट सॉल्यूशन ले रहे हैं। इन 5 इंग्रेडिएंट से ही हम ईसीजी व अल्ट्रासाउंड जेली का निर्माण करेंगे। पर अल्ट्रासाउंड जेली में हम इस यूवी डेवलपर को यूज करते हैं, जिसको हम पूरा जेल
प्रोड्यूस होने के बाद सबसे लास्ट में यूज करते हैं। हमने यहां इसे बनाने के लिए स्टील का ये बड़ा कंटेनर लिया है। आप चाहें तो प्लास्टिक का ड्रम भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके प्रोडक्शन के लिए हमें इस मशीन की आवश्यकता होती है। इस मशीन से ही हम फाइन क्वालिटी जेल बना सकते हैं। इसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं होता है। ये पावरफुल सिंगल फेस मशीन मात्र 16,000 में आ जाती है। जिसको मंगाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अल्ट्रासाउंड एंड ईसीजी जेल बनाने के लिए हमें वाटर कौन सा यूज करना है। हमने यहां इन जार्स में सादा पानी, जिसको टैप वाटर भी बोलते हैं, लिया हुआ है, जो हमें टोटल 25 किलो यूज करना है। तो चलिए अब इस मशीन को कंटेनर में डाल देते हैं। दोस्तों, इस कंटेनर में हम अभी टोटल 25 किलो जेल बना रहे हैं। आप ध्यान से पूरी वीडियो आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, इन 5 किलो के जार को हम इस कंटेनर में डाल रहे हैं। टोटल 3 जार हम डाल रहे हैं, मतलब 15 किलो शुरुआत में हम इस कंटेनर में डालेंगे। अब मशीन चालू करते ही इसमें धीरे धीरे पॉलीसैकेराइड्स पाउडर डाल देना है। दोस्तों, इसे बनाते वक्त मास्क जरूर पहन लें। पॉलीसैकेराइड्स पाउडर जो हमने 170 ग्राम लिया हुआ है। मशीन चालू करते ही इसे धीरे धीरे डालते जाएं। दोस्तों, इसे बनाते वक्त मास्क जरूर पहन लें। आप देख सकते हैं इस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। मात्र कुछ मिनटों में ही ये इस पाउडर को पूरी तरह से पानी में घोल देगा। दोस्तों, बिना मशीन के इस पाउडर को घोलना काफी मुश्किल होता है। यह मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल डबल ब्लेड वाली होती है कि एक बार में कम से कम 100 से 150 किलो तक का मटेरियल आराम से घोल सकती है। और इसके साथ इस अल्ट्रासाउंड जेली का प्रोडक्शन बहुत ही इजी हो जाता है। दोस्तों, अभी हमने इसमें टोटल 15 किलो पानी और 170 ग्राम पॉलीसैकेराइड्स पाउडर लिया है। कुछ देर मशीन से घोलने के बाद हम इसमें 5 लीटर पानी और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक फाइन इमल्शन तैयार होता जा रहा है। अब इसमें हम 5 किलो पानी और ऐड कर रहे हैं, तो टोटल 20 किलो पानी इसमें हो चुका है। दोस्तों, करीब 4 से 5 मिनट तक इस मशीन से इसे घोलने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्राम एक्सपोजर, जो कि इस अल्ट्रासाउंड एंड ईसीजी जेल के कंटेंट्स को एक्सपोज करता है।
इसे हमें थोड़े से पानी में घोल करके इस सॉल्यूशन में डालना है और एक्सपोजर डालने के बाद इस सॉल्यूशन को करीब एक घंटे के लिए हमें छोड़ना होगा ताकि ये एक्सपोजर सभी कंटेंट्स को एक्सपोज कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब इस मशीन को हम बंद कर देते हैं और इस मशीन को निकालने के बाद इस सॉल्यूशन को एक घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक घंटे बाद हम वापस आ चुके हैं और इस 3 ग्राम माइक्रो मोनोमर्स पाउडर को हम थोड़े ही पानी में घोल करके डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसमें 12 ग्राम ग्लाइकोजन पाउडर को उसी तरह पानी में घोल करके डाल देंगे। दोस्तों, ये हमने ग्लाइकोजन पाउडर भी घोल करके डाल दिया है। तो सबसे पहले हमने 15 लीटर पानी इसमें लिया था जिसमें 170 ग्राम पॉलीसेक्राइड पाउडर को घोला था। दूसरा, उसमें एक्सपोजर डाल करके एक घंटे के लिए छोड़ दिया। बाद में माइक्रो मोनोमर 3 ग्राम और ग्लाइकोजन पाउडर 12 ग्राम को पानी में घोल करके डाल दिया है। सबसे लास्ट में इसमें हम एंटी स्टैटिक लुब्रिकेंट सॉल्यूशन डालने वाले हैं जिसके डालते ही ये सोनोग्राफी मेडिसिनल जेल तैयार हो चुका होगा। इसमें भी हमने थोड़ा पानी डाल करके इसे भी डाल दिया है। दोस्तों, सारे कंटेंट्स डल चुके हैं, अब इसे हमें सिर्फ मिक्स करना है और आप देख सकते हैं मिक्स करते करते ये जेल में तैयार होता जा रहा है। दोस्तों, सोनोग्राफी और ईसीजी जेल बनाने का प्रोसेस लगभग एक ही होता है। दोनों ही ट्रांसमिशन जेल का काम करते हैं और दोनों ही थिक और ट्रांसपेरेंट होते हैं। दोस्तों, सोनोग्राफी जेल बनाने के लिए हमें इसमें यूवी डेवलपर यूज करना होता है जिसे हम पानी में घोलकर जेल में मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम बचा हुआ 5 किलो पानी और ऐड कर देंगे। इस तरह से टोटल 25 किलो पानी हमने इसमें यूज किया है। पानी डालने के बाद इसे हम हाथ की सहायता से अच्छी तरह से नीचे तक मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये मेडिसिनल जेल होता है इसलिए इससे हमारे हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जेल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें इसे एक दिन के लिए छोड़ना होगा और अगले दिन आप देख सकते हैं दोस्तों ये जेल कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है और अब ये इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि इसको 5 किलो तक पानी की और जरूरत होती है। यानी दोस्तों, टोटल 30 किलो तक जेल तैयार हो सकता है जिससे आपकी कॉस्टिंग भी 5 रुपए कम हो जाएगी। और ये हमारा ईसीजी जेल पैकिंग के लिए तैयार है जो कि कलरलेस होता है। इसमें ट्रांसपेरेंट वाइट कलर ही होता है और हॉस्पिटल्स में
ईसीजी करने के दौरान इलेक्ट्रोड्स लगाते वक्त इस ईसीजी जेल को यूज किया जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड जेल बनाने के लिए हमें इसमें यूवी डेवलपर का यूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस यूवी डेवलपर को हम थोड़े से पानी में घोल करके डाल देते हैं। दोस्तों, इस अल्ट्रासाउंड और ईसीजी जेल की शेल्फ लाइफ कम से कम 18 मंथ्स होती है, यानी यह 18 महीने तक खराब नहीं होता। दोस्तों, इस यूवी डेवलपर के सॉल्यूशन को डालने के बाद काफी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अल्ट्रासाउंड जेली भी पैकिंग के लिए तैयार है। चलिए इसकी पैकिंग के बारे में जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने 250 ग्राम की बॉटल में इसे पैक किया है। मार्केट में 250 ग्राम की बॉटल्स और 5 kg का जार, इन दो पैकिंग्स में अधिकतर सेल होता है। इसी तरह से आप भी 250 ग्राम की बॉटल्स या 5 किलो के जार में पैक करके सर्जिकल मार्केट, सर्जिकल शॉप्स पे या डॉक्टर्स को डायरेक्टली भी सोनोग्राफी सेंटर्स में सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स का किट हमने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें 7974572261 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही लाइसेंसिंग के लिए भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, हम अगली वीडियो में और भी कई सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला लाने वाले हैं। आप वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला आप जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग मैप्रॉन्स चैनल।